बॉलीवुड में एक नई फिल्म आ रही है तेरे इश्क में। इस फिल्म में सभी नए कलाकार हैं। इस फिल्म की अभिनेत्री है हिबा शाह, जो कि नसीरुद्दीन शाह की बेटी का रोल अदा कर रही है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में थोड़े ही समय के लिए है। इस फिल्म के अभिनेता है शोभित अटारे, जिन्होंने पहले भी कई सीरियल में काम किया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शैलेंद्र सेन ने। यह फिल्म एक लव स्टोरी पर आधारित है और काफी सारा ड्रामा है। इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। मैं दूल्हे का रोल कर रहा हूँ। हाँ, आज मेरी शादी है और आप सब लोग इनवाइटेड हैं। फिल्म में हमारी फिल्म में 6-7 गाने हैं और गाने बहुत अच्छे हैं। मतलब फिल्म का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मुझे गाने लगता है, बहुत अच्छे गाने हैं। अचानक से तो मतलब सब उसकी मेहरबानी है, बाकी अचानक तो मैं आपके सामने। कैसा लग रहा है आपको फिल्म में काम करके? फिल्म में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब अपना जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसमें मेरे को बहुत खुशी है कि मैं जैसा दिख रहा हूँ या जैसा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आना चाहिए। बाकी मेरा छोटा सा रोल है लेकिन इम्पोर्टेंट रोल है, लॉयर का रोल है। जो प्रोटैगनिस्ट लड़की है उसकी बेस्ट फ्रेंड है और जब वो लोग प्रॉब्लम हो जाता है उनको, यही इसी सीन में बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा उनका, थोड़े बिछड़ जाएंगे दोनों, तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी कोई केस डालेगा उन पे, तो मैं लड़ूंगी केस। और दोनों एक्टर और एक्ट्रेस पहली बार काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है काम करके? अच्छा लग रहा है, तो वे बहुत स्वीट हैं दोनों। डायरेक्टर के बारे में क्या कहना है? बहुत हार्ड वर्किंग है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिल्म किस पर बेस्ड है? फिल्म एक्चुअली एक कानून, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कराने के लिए दहक, मोहम्मद दहक साहब ने ये स्क्रिप्ट लिखी है। बेसिकली आई डोंट नो उनका कनेक्शन क्या है इसके साथ, बट वो चाहते हैं कि ये इंट्रोड्यूस हो, तो अब फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि आई एम नॉट अलाउड टॉक अबाउट क्या है इशू।